दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार में जितने चमत्कार होते हैं उन्हें गिनना कोई आसान बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाबा को सबके मन की बात पता होती है, लेकिन आज दरबार में पुलिस वाले की पोल खोल दी, क्योंकि इस दरबार में सबकी पोल खोल जाती है। किस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ऐसा हम नहीं कह रहे, यह दिव्य दरबार में साबित हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप हमारी वीडियो एंड तक खुद ही देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर एक, दोस्तों गुरुदेव की सेवा में एक पुलिस वाला अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, बाबा ने जो उसके बारे में सच्चाई बताई वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने बारे में खुद जान सकता है। परंतु बाबा के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वह भावुक हो गया और बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में बालाजी महाराज संग धीरेन्द्र कुमार को प्रणाम करने लगा। जी हाँ दोस्तों, बाबा ने उसकी दुख परेशानी को लेकर उसकी ख्वाहिश तक पूरी डिटेल बताई, जिसे सुनकर वह हैरान रह गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को एक बार खुद ही देख लीजिए। ब्लड आता है सर, मोशन सर, शरीर में दिक्कत, खून निकलता है, मुंह से परेशान बने रहते हैं, बीमारी से लगातार 2016 से ग्रसित हैं। कृपा होगी, आराम लगेगा, आशीर्वाद है। तो क्यों दोस्तों, तभी तो हम कहते हैं बागेश्वर धाम की कृपा से घर में आई खुशियाँ। बालाजी के दरबार में सभी ला इलाज को मिली दवाई अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है, यह बात सबको समझ आई। नंबर दो, दोस्तों दरबार में आए एक पुलिस वाले को बाबा जी ने स्टेज पर बुलाया। उसकी अर्जी लगाते ही बाबा जी ने उसकी पूरी डिटेल उसके सामने बता दी। जी हाँ दोस्तों, उस पुलिस वाले पर एक गंदा प्रेत का साया था। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज ने उस पुलिस वाले को आशीर्वाद दिया और कहा तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार इस वीडियो को खुद ही देखिए। भैया मुट्ठी बांधो, दोनों पूर्ण प्रभाव में लाया जाए। हंसी तेरी रावण जैसी है, जरा हंस फिर से। इसका गला पकड़ो सेनापति, शरीर छुड़वा दिया जाए, ये ब्रह्म राक्षस है जो शरीर को पकड़ रहा है। क्यों दोस्तों, सुना है बागेश्वर धाम में लाखों की किस्मत बनाई है, इसलिए आज कई पुलिस वालों ने कहा है देखो सही बालाजी हमारी अर्जी कहाँ छुपाई है। जी हाँ दोस्तों, बालाजी का सबसे बड़ा दरबार है, जो बोलेगा राम राम उसी का बेड़ा पार है। नंबर तीन, फॉर लास्ट एड। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है पुलिस जनता की सहायक करती है, लेकिन दरबार में आए एक आज पुलिस वाले की अर्जी लगते ही बाबा जी ने उसकी सभी डिटेल उसको बता दी। दोस्तों इस पुलिस वाले को तनाव बीमारी थी और यह उस बीमारी से परेशान था, और फिर दोस्तों बाबा ने अपनी मंत्र चिकित्सा शुरू करी और इस पुलिस वाले को ठीक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी बात पर अभी यकीन नहीं हो रहा तो यार आप इस वीडियो को एक बार खुद ही देख लीजिए। 2016 के प्रारंभ से ही तंत्र परेशान करने लगा, भूत विद्या का प्रयोग किया, तीन दरबारों में हुआ है, ज्यों की त्यों स्थिति बनी रही। गंदा प्रेत इसके ऊपर है, खब्बीस नाम की शक्ति है, आंखों से आंसू आना यही जीभ निकलवा देता है, जीभ पकड़ के तांता आ करना ऐसी हरकतें करता, ये प्रेत के ही लक्षण है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। इसीलिए आए, इसीलिए आए, बस एकदम सही, बिल्कुल सही, एक एक बात। दोस्तों दिव्य दरबार में आए हर व्यक्ति की यही ख्वाहिश होती है कि बागेश्वर धाम सरकार हम पर इतनी कृपा बनाए रखे, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखे, तो हमसे भक्ति करने में भूल बस बालाजी की इतनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप भी बागेश्वर धाम के भक्त हैं या फिर धाम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप तो मुझे आज्ञा, धन्यवाद।